बेशक हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल उठाया। अनिअबुदुल्लाह के इबादत करो अल्लाह की, वज्तनिबुत्ताहूत और अल्लाह के मुकाबले पर तमाम झूठे जो खुदा और इलाह है उनकी नफी करो, उनसे इज्तनाब करो। तो तमाम अंबिया की दावत तौहीद। बिल्कुल इसी तरीके से सूरह अज़-ज़ुमर के अंदर आता है का, और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि बेशक मेरी तरफ भी ये वही हुई और मुझसे पहले तमाम अंबिया की तरफ ये वही हुई, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, के बिलफर्ज अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। तो तौहीद और इसके मुकाबले पर शिर्क, इन दोनों की शनाख्त होना जरूरी है। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। इसीलिए कुरान पाक में कैटेगोरिकल दो दफा ये स्टेटमेंट आई है, सूरत निसा की आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116 में, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह, बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि अल्लाह के साथ किसी किस्म का किसी ने शिर्क किया। आखिरत में इस हाल में वो पेश हुआ, दुनिया में तौबा कर ली तो माफी हो जाएगी, आखिरत में इस हाल में वो पेश हुआ कि उसने अल्लाह के साथ दुनिया में शिर्क किया हुआ और बगैर तौबा के मर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। वह यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, और इसके अलावा जितने गुनाह है जिसके लिए चाहेगा माफ फरमा देगा, वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है लेकिन उम्मीद है। वमन युशरिक बिल्लाह फकद दल्ला दलालन बईदा, और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो गुमराह हुआ और गुमराही में भी दूर जा पड़ा। वलियाज़ु बिल्लाह तआला। और फिर इसका क्लाइमेक्स है सूरतुल माईदा की आयत नंबर 72, बेशक जिस किसी ने अल्लाह के साथ शिर्क किया अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना है दोजख और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा, हत्ता के इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी कोई मदद नहीं फरमा सकेंगे। चुनाचे सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी, जो दुआ उस पैगंबर ने इसी दुनिया में कर ली और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा कर रखी है, मैं इस दुआ के जरिए अपनी उम्मत की शफात करूंगा और मेरी इस दुआ के जरिए मेरी हर उम्मत में से मेरे हर शख्स को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ, उसको शफात नहीं नसीब होगी। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का, और तुम्हारे रब ने यह बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सवाए उसके। और इसी बुनियादी दावत की तरफ फिर सूरह आल इमरान में भी अल्लाह ताला ने 64 नंबर आयत के अंदर दावत दी अहले किताब को, ज्यूज और क्रिश्चियंस को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم, आओ अहले किताब उस एक बात पर तो हम इकट्ठे हो जाएं जो तुम में और हम में कॉमन है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम किसी को ना पूजे सवाए उसके, सिर्फ उसकी इबादत करें, वला नुशरिक बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम आपस में एक दूसरे को अपना रब ना मान लें, उलमा को या अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को एक दूसरे का रब ना मान लें। तो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि हम तो यही गवाही देते हैं कि हम अपने रब के हुजूर बेशक सर तस्लीम खम करने वाले हैं, हम शिर्क में मुबतला नहीं होते, ये बेशक होते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। अब शिर्क के हवाले से दो बातें जो है वो बुनियादी समझ लीजिए, ताकि तौहीद भी समझ आ जाए और इसके मुकाबले पर शिर्क भी समझ आ जाए। वो है सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4, जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमसे हर नमाज में अहद लिया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे,
ये प्रेजेंट टेंस के लिए भी है और फ्यूचर के लिए भी। वह ईया का नस्ताइन, और इबादत की आला तरीन शक्ल यानी दुआ सिर्फ तुझी से मांगेंगे, गायब में मदद के लिए पुकारना, यह है दुआ, और यह भी अल्लाह ताला के साथ है खास।